हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास टेंथ सॉरी क्लास नाइन्थ चैप्टर टेन एग्जांपल नंबर फोर। इन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगनल। तो आप यहाँ पे देखो, फिगर के अकॉर्डिंग तो आपको ए सी और बी डी डायगनल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर से पास होने चाहिए थे। ओके, रुको मैं फिगर सही से बनाती हूँ पहले। ओके, तो अब हमारा फिगर बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ देखो, ए सी और बी डी आपको डायगनल दिख रहे हैं और ये हमारा सेंटर। डायगनल हमेशा सेंटर से पास होते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे ओ क्या हो गया, सेंटर। फिर आपको कहाँ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो भी फाइंड करना वो हम फाइंड कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगनल इफ डी एंगल डी बी सी इक्वल टू 55 डिग्री। तो डी बी सी, तो ये वाला एंगल हमारा यहाँ पे क्या है, 55 डिग्री। एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री। बी ए सी, ये वाला एंगल है हमारा यहाँ पे 45 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी सी डी, तो हमें ये पूरा एंगल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि इसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये वाले एंगल ए प्लस एंगल सी आपका यहां पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप यहां पे देखो, ये हमें 45 पता है, अगर मैं ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेती हूं तो ये पूरा एंगल मुझे पता चल गया, तो 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो हमें दो एंगल फाइंड करने हैं, यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, एक एंगल फाइंड करके और 180 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहां पे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पे ये चीज पता है ना कि सेम आर्क में जो एंगल है, या ऐसे कह दो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन है सी डी, ये सी डी लाइन हमारी यहाँ कॉमन हो गई। इस सी डी लाइन से देखो आपके दो एंगल कौन से बन रहे हैं, तो एक एंगल तो हमारा बन रहा है ये सी बी डी, तो जितना सी बी डी होगा उतना ही सी ए डी होगा। ओके, तो आपको पता है ना, ये देखो ये हमारा एक सर्कल है और इसमें हम ये वाला सेम सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गया। ओके, ये वाला पूरा आपका सेगमेंट हो गया, जैसे मैं इसको ए बी ले लेती हूँ। अब ये सेगमेंट आपका इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना रहा है, तो इस तरह से एक एंगल यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल आपका इस तरह से यहाँ बन रहा है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होंगे। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो सेम अगर ये 55 है तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, 55 प्लस 45 यहाँ पे करके हमारा 100 हो जाएगा, और ये 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 गया 180 में से, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो ये तो हमारा हो गया लॉजिक ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों ट्राइंगल को, यानी कि आपका ये अगर इस लाइन के देखते हैं तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो रहा है, ये मेजर सेगमेंट हो रहा है। तो मेजर सेगमेंट को मैंने नेमिंग कर दिया सी डी ए बी सी, ये आपका पूरा क्या हो गया, एक मेजर सेगमेंट हो गया। अगर आप डी से यहाँ पर इस सर्कल को ज्वाइन कर दो तो ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में एक एंगल आपका ये ब्लू ट्राइंगल में बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल आपका यहाँ पे पिंक ट्राइंगल में बन रहा है, दोनों ही एंगल आपके यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल। तो आप यहाँ पे चाहे इसको एंगल वन चाहे एंगल टू कर दो, या सी बी डी और सी ए डी भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे फोर सेगमेंट सी डी ए बी सी एंगल आप यहाँ पे लिख लो, मैं लिख लेती हूँ डी ए सी एंगल डी ए सी इक्वल में आपका एंगल हो जाएगा डी बी सी इक्वल एंगल डी बी सी। तो हम पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सिंस एंगल डी बी डी ए सी एंड डी बी सी आर इन सेम सेगमेंट, सो दे विल बी इक्वल। तो सीधा तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, थोड़ा बहुत तो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में आंसर लिखना ही पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। अब हम इसको लिखते हैं, देयर फॉर एंगल डी ए सी इक्वल में एंगल डी बी सी, तो रीजन आप क्या लिखोगे यहाँ पे। ओके, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल आपके यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल 55 डिग्री, ये 55 है तो ये डी बी सी, ये 55 है तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे, 55 डिग्री आएगा। अब नाउ दोनों एंगल को सम कर लेते हैं, तो नाउ एंगल आपको बी ए डी यहाँ पे बी ए सी के बने, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल, एक तो हो गया बी, एक सेकेंड
यस, एक तो एंगल हो गया बी ए सी हो गया और दूसरे का हमने नेमिंग किया था यहाँ पे डी ए डी ए सी, तो बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। नहीं तो आप इसको 1 2 3 भी कर सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपका बी ए डी हो गया। ओके, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो बी ए डी, तो इनकी वैल्यू रख दो। बी ए सी आपका 45 डिग्री है और डी ए सी यहाँ पे फर्स्ट कर दो, डी ए सी आपका 55 डिग्री है इक्वल टू एंगल आपका है यहाँ पे बी ए डी। तो ये हमने 55 कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो दोनों का सम करो तो 100 डिग्री इक्वल टू एंगल आपका बी ए डी हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया 100 डिग्री, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। नाउ अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इन नाउ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये थ्योरम हमें पता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो अब आप यहाँ पे देखो बी ए डी आपका कितना है, 100 आ रहा है, तो आप वैल्यू पुट कर लो, यहाँ हो गया 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, या सी भी लिख सकते हो। तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब आपको ये एंगल बी सी डी की वैल्यू चाहिए, इसको उधर शिफ्ट कर लो, 180 डिग्री माइनस 100, तो एंगल बी सी डी आपका यहाँ पे हो गया 80 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने एंगल बी सी डी को फाइंड कर लिया। तो आप स्ट्रेटेजी लगा के और जितने थ्योरम है उसमें से, उससे आइडिया ले लो कि इन थ्योरम में से कौन से थ्योरम से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होगा। तो उसी तरह से हमने देखा था यहाँ पे सेम सेगमेंट वाली थ्योरम लगा के हमारा इजीली सॉल्व हो रहा था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व करो। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।